अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फूड इज जॉय। बकरीद आ रहे हैं तो कुछ मीठा तो जरूर बनता है, तो आज हम बनाने वाले हैं पाइनएप्पल का मीठा। इसे हम कश्मीरी मीठा भी बोलते हैं। इसे आपने बहुत सी शादियों में जरूर खाया होगा। ये इतना जबरदस्त है स्वाद में कि कुछ पूछिए मत। रेसिपी देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आए। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक फुल पाइनएप्पल। इसको मैंने अच्छी तरह पील करके रख लिया है। अगर हो सके तो जो ब्लैक डॉट्स है उसे जितना हो सके उसको निकाल लें। फिर मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन, इसमें मैं डालूंगी पाइनएप्पल जो मैंने इस तरह से कट कर लिया है। इसे मैं थोड़ी देर के लिए पका लूंगी जब तक कि थोड़े सॉफ्ट ना हो जाएं। इसको मैं 5 मिनट्स के लिए ढक दूंगी। 5 मिनट्स हो चुके हैं, तब हम इसे चेक कर लेंगे। हमें इसमें थोड़ा भी पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि पाइनएप्पल में पहले से ही बहुत सारा पानी रहता है। इसे बस 1 मिनट और पका लेंगे ताकि सारा पानी जिर जाए। ये लगभग हो चुका है तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए तो हम इसका पेस्ट बना लेंगे बिना पानी के। आप देख सकते हैं कि मैंने पाइनएप्पल के पेस्ट को इस तरह पैन में ले लिया है और इसको हम अच्छे से पका लेंगे। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी 2 कप चीनी। इसे भी हम अच्छे से पका लेंगे जब तक कि चीनी अच्छी तरह घुल ना जाए। आप देख सकते हैं कि चीनी अच्छी तरह घुल चुकी है। तो हम थोड़ी देर के लिए इसका लिड बंद करके पका लेंगे। थोड़ी देर हो चुका है तो अब हम इसे चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छी तरह पक रहा है। हम थोड़ी देर इसी तरह इसको पका लेंगे। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी 250 ग्राम्स खोवा। जितना आप इसमें खोवा ऐड करेंगे उतना ही इसका स्वाद बढ़िया होगा। इसे भी हम अच्छे से पका लेंगे जब तक ये खोवा अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। हमें लगातार इसको इसी तरह चलाना है। फिर मैं इसका लिड बंद कर दूंगी थोड़ी देर अच्छे से पकने के लिए। थोड़ी देर हो चुका है तो अब हम इसे चेक कर लेंगे। ध्यान रखें कि जब ये पक रहा हो इसके चींटे आप पर ना उड़े। इसमें खोवा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। थोड़ी देर हम इसी तरह इसको पका लेंगे। जितना आप इसको पकाएंगे उतना इसका स्वाद बढ़िया होगा। इसे मैं थोड़ी देर और पकने के लिए इसका लिड बंद कर दूंगी। थोड़ी देर हो चुका है तो अब हम इसका लिड ओपन कर लेंगे। ये ऑलमोस्ट पक चुका है, बस हम थोड़ी देर और इसको पका लेंगे।
अब ये परफेक्टली कुक हो चुका है, तो अब हम इसका फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो हम इसको सर्व कर लेंगे। मैं इस तरह सर्विंग प्लेट में पाइनएप्पल के मीठे को डालूंगी। मैं इस तरह से इसको स्प्रेड कर लूंगी ताकि लेयर फॉर्म में आ जाए। फिर हम इसे गार्निश कर लेंगे। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चॉप्ड एप्पल। चॉप्ड बनाना, चॉप्ड आलमंड, थोड़े किशमिश, थोड़े ब्लैक किशमिश। फिर मैं डालूंगी अनारदाने। फिर मैं इसके ऊपर डालूंगी जेली। जेली आप कोई भी कलर में ले सकते हैं। तो ये हमारा एक लेयर हो चुका है, तो अब फिर से इसके ऊपर हम एक और लेयर बनाएंगे। इसको भी हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। इसके ऊपर भी हम सेम चीजों से गार्निश करेंगे। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स या फिर फ्रूट्स अवेलेबल ना हो तो आप इसे प्लेन भी सर्व कर सकते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, बकरीद स्पेशल पाइनएप्पल मीठा, जो कश्मीरी मीठा भी बोलते हैं, बिल्कुल तैयार है। जब आप इसे सर्व करें तो इस तरह साइड से एक बाउल में निकाल लें। तो देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। इसे आप फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसे जरूर ट्राई करें दोस्तों, और मुझे जरूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।